हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके गांव में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची कैसे देखें। यदि फ्रेंड्स आप गांव में रहते हैं और आपको पता ही होगा गांव में एक शासन की बहुत ही बड़ी योजना चलती है जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी टी एक्ट 2005। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स गाँव में बहुत सारे जो है वो कार्य होते हैं जिन जो मनरेगा के अंतर्गत चलाए जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो गांव में मजदूर कार्य करते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में अभी मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य चल रहे हैं और कौन कौन से नए कार्य हैं जो भविष्य में चलाए जाएंगे और जो प्रस्तावित हो गए हैं, उनके कार्यों की सूची आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यदि आप पंचायत से जुड़ी किसी भी प्रकार की टेक्निकल जानकारी चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को टेक टू वेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पंचायत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की समय समय पर मिलते रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके गांव में मनरेगा में चल रहे कार्यों की सूची आप अपने मोबाइल पर कैसे देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके गांव में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करना है और उस पर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिलहाल मेरे पास यहां क्रोम ब्राउज़र है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको इसके सर्च बार में टाइप करना है नरेगा, NREGA। जैसे ही आप नरेगा टाइप करेंगे, नरेगा टाइप करके आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको सबसे पहले ये वेबसाइट दिखाई देगी, सबसे पहले नंबर की www.narega.nic.in। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। पहले नंबर की वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये कोरोना की जो है वो गाइडलाइन आपके सामने शो होगी। इस गाइडलाइन को सिंपली आपको एक कट वाले निशान पर क्लिक करके इसको कट कर देना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ये फ्रेंड्स मनरेगा की जो है वो न्यू वर्जन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य की सूची मिलेगी और आपको पूरे राज्यों की भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हम इसके ओल्ड वर्जन से समझते हैं, उसमें ज़्यादा आसानी आपको होगी। तो उसके बाद आपको ये ओल्ड वर्जन उसका दिखाई दे रहा है मनरेगा का, आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है इस वेबसाइट पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मनरेगा की वेबसाइट का जो है वो ओल्ड वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये जो है वो मनरेगा का ओल्ड वर्जन है। इसके बाद आपको सिंपली जूम करना है। जूम करने के बाद ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है आपको पंचायत GPPS और ZP वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, तीन प्रकार के ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको सिंपली पहले वाले ऑप्शन पे, ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर चार प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, डेटा एंट्री, जनरल रिपोर्ट एंड ऑथराइज्ड वेज लिस्ट बाई पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सेंड वेज लिस्ट टू बैंक पोस्ट ऑफिस बाई ग्राम प्रधान प्रेसिडेंट। तो सिंपली आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन, जनरल रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जनरल रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे भारत में जितने भी राज्य है 28, 29, 27 जितने भी जो है वो स्टेट हैं उन सारे स्टेट की लिस्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं आपको सिंपली उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको चार प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी ईयर का देखना चाहते हैं। उसके बाद आप जिस जिले का देखना चाहते हैं आपको वह जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप जिस ब्लॉक का देखना चाहते हैं उस आपका अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप इसके बाद जिस पंचायत का देखना चाहते हैं उस यहाँ से आपको उस पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। उस ब्लॉक पर जितनी भी पंचायत होंगी वह उसकी लिस्ट सभी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। और फाइनली इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं सारी डिटेल फट से जो है वो फिल कर लेता हूँ।
फ्रेंड जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये कोलैप्स ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले कोलैप्स ऑल के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारे जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर R5 में दिखाई दे रहा है IPPE, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एप्लीकेंट रजिस्टर एंड लिस्ट ऑफ वर्क। तो आपको सिंपल ये सेकंड वाले ऑप्शन पर, लिस्ट ऑफ वर्क वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कार्य की श्रेणी जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद वर्क स्टेटस एंड फाइनली फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्य की श्रेणी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वर्क स्टेटस आएगा, इसमें भी आपको ऑल कर लेना है। ऑल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप इतने में से जिस भी ईयर का देखना चाहते हैं आपको यहाँ से सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए मैं 2020 एंड 21 का देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य चल रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत, वो सभी कार्यों की लिस्ट आपको यहाँ पर जो है वो इस वाले ऑप्शन पर शो हो जाएंगी। चलिए इन कार्यों का हम विवरण थोड़ा जो है वो जानते हैं डिटेल में। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक कार्य आपको दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत मानेगांव में डोना सिवनी वितरक की चेन क्रमांक 35 से 92 में, झगरा माइनर की चेन 0 से 52 का। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नहर का काम जो है वो मनरेगा के अंतर्गत चालू हुआ है, वर्क का स्टेटस है न्यू है और फाइनेंशियल ईयर ये 2020-21 में जो है वो प्रस्तावित हुआ है या चालू हुआ है। और उसके बाद आपको वर्क कैटेगरी, इसमें आपको माइक्रो इरिगेशन वर्क है, मतलब यहाँ पर आपको सूक्ष्म सिंचाई कार्य का जो है वो कार्य है फ्रेंड्स, और प्रायोरिटी 5 यहाँ पर। और उसके बाद आपको और नीचे करना है, नीचे करने के बाद भी ये भी आपको सेकंड नंबर का भी नहर का वर्क है और ये थर्ड नंबर का भी नहर का ही कार्य है। ये ऑन गोइंग दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अभी ऑन गोइंग दिखाई दे रहा है, मतलब ये कार अभी प्रगति पर है, ये कार भी प्रगति पर है। ये वाला जो वर्क है फ्रेंड्स, ये जो है वो न्यू वर्क है, अभी इस पर कार्य नहीं हुआ है। उसके बाद जो भी कार्य वर्क आपको है वो ऑन गोइंग दिखाई दे रहा है, यानी कि वो अभी पेंडिंग है, उन पर कार्य चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके गांव में जितने भी मकान बन रहे हैं या जितने भी घर जो है वो अभी पेंडिंग में है, वो सभी घरों की लिस्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे यहाँ पर ये चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAYG हाउस फॉर इंडिविजुअल PMAYG, रजिस्ट्रेशन नंबर MP 41 04 999 दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पर वर्क का स्टेटस ऑनगोइंग दिखाई दे रहा है, 2020-21 में सेंक्शन हुआ है और ये इंडिविजुअल वर्क है और ये उनकी जो है वो ID है, आवास ID। उसके बाद आपको और नीचे क्लिक करना है, ये वाला जो कार्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर का वो कंप्लीट हो चुका है, जो कार्य अभी प्रगति पर है वो आपको ऑनगोइंग दिखाई देगा और जो काम कंप्लीट हो चुका है वो कंप्लीट आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको और थोड़ा नीचे करना है, तो ये जो वर्क है ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये वाला जो वर्क है वो ऑनगोइंग में है। उसके बाद आपको और नीचे करना है, इतने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान जो है वो फ्रेंड्स बनना है। उसके बाद आपको न्यू वर्क की लिस्ट देखना है, तो आपको सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते आना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है खैरमाई नाला बंधान कार्य न्यू वर्क है, ये 2020-21 में जो है वो काम प्रस्तावित हुआ है, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग की कैटेगरी का वर्क है ये। उसके बाद खैरमाई में स्टाप डैम निर्माण, फिर तालाब गहरीकरण विस्तार कार्य जाम, ये भी न्यू है। शांति धाम मानेगांव में CPT निर्माण कार्य, ये भी न्यू वर्क है फ्रेंड्स। 1, 2, 3 और ये 4 वर्क जो है वो आपको न्यू वर्क दिखाई देंगे। यदि आपको इन वर्क के बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पर ये ID दिखाई दे रही है, ये वर्क कोड दिखाई दे रहा है, मनरेगा का वर्क कोड होता है यहाँ हरे अक्षर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। अभी ये इधर से क्लिक अभी नहीं हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, बाकी आप इस पर क्लिक करके और भी इसकी जो है वो डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।